वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इससे पहले मैंने हाउसवाइफ के लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जिनको स्कूटी चलाने से डर लगता हो तो वो इस तरह से स्कूटी चलाएं जैसे मैंने बताई थी, नीचे पैर करके। आप 4 दिन उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको आगे का क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको धीरे धीरे एक्सीलेटर आगे बढ़ाना है और बिल्कुल सुनसान रोड पर चलाना है, चलती फिरती रोड पर आपको नहीं चलाना है। देखिए ये रोड कितनी सुनसान है, आगे देखिए। अब यहीं पर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी इस टाइप से। इस तरह से आपको सुनसान रोड पर धीरे धीरे अपनी स्कूटी चलानी है और प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आप 5-6 दिन कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप फिर चलती फिरती रोड पर भी स्कूटी चला सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए मैं आगे अब ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी और आप साथ में बने रहिए। आपको एक्सीलेटर को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, जितना स्लो मैं चला रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही चलाते रहना है धीरे धीरे। और सामने से आते हुए व्हीकल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अगर ऐसा लगे कि आपको कोई खतरा है या आगे आप टकरा सकते हैं तो आप तुरंत अपने पैर नीचे कर लीजिए और ब्रेक मार दीजिए। बोले हाँ। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही साइड में धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है, बिना घबराए हुए धीरे धीरे अपनी साइड में चलते रहना है। और ऐसे ही आपको धीरे धीरे स्कूटी चलाते रहना है, और सामने से कोई भी वाहन आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आप डिसबैलेंस हो सकते हैं तो आपको तुरंत पैर नीचे कर लेने हैं और ब्रेक पे हाथ है ही आपका, तुरंत ब्रेक मार देना है। बिल्कुल सेंसलेस नहीं होना है, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है।